माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू अम्बिका जी ऑल इन वन। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल ज्वेलरी कलेक्शन। आपके नेकलेस से लेके ईयरिंग तक, यहाँ तक कि बैंगल तक की कंप्लीट कलेक्शन आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ। यू नो, कुछ ज्वेलरी पीसेज ऐसे होते हैं जो आपके पास सोने चाहिए हैं, जो हमेशा इन ट्रेंड रहते हैं, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ कुंदन ज्वेलरी की, तो आप सभी जानते हैं कि कुंदन ज्वेलरी जो होती है वो हमेशा इन ट्रेंड रहती है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। एंड प्लस पॉइंट पता है क्या है, या आपका इंडियन वेयर कर रहे हो, आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हो, दोनों के साथ में ये कैरी कर सकते हैं आप, और बहुत ही खूबसूरत लगती है। एंड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी का आप ध्यान रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम लो क्वालिटी की ज्वेलरी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी शाइन कम हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो बेकार हो जाती है, तो पैसे ना वेस्ट ही हो जाते हैं। तो जब भी कुछ लेना, आप ज्वेलरी का कलेक्शन आप अपना बना रहे हैं, तो आप गुड क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। इस तरह की अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ, जो चोकर होते हैं इन ट्रेंड हैं और बहुत ही क्लासी लगते हैं। एंड इसकी भी जो खास बात है वही यही है कि इंडियन वेयर कर रहे हैं आप, वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं, दोनों के साथ में कैरी होता है। एंड दिस वन आल्सो ऑसम, यू नो, आप थोड़ा डिफरेंट लुक चाहते हैं, आप सिंपल सी एक साड़ी कैरी कर रहे हैं या कोई गाउन कैरी कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना वो आपका कंप्लीट लुक चेंज कर देती है। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का ज्वेलरी कलेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। कई बार हम होता ना ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, और फिर जब कहीं जाना होता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या पहने। फिर इस तरह के मंगलसूत्र की बात करूँ, तो जो इस तरह के हैवी मंगलसूत्र होते हैं ना, कभी जैसे आपको अपना लुक चेंज करना है तो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके ओवरऑल कंप्लीट लुक को चेंज करने में। आप कोई सिंपल भी साड़ी पहन रहे हैं ना, और उसके ऊपर एक हैवी सा मंगलसूत्र एंड हैवी से ईयरिंग कैरी करते हैं, तो आपका कंप्लीट लुक चेंज हो जाता है। वैसे तो हम नॉर्मल जो होते हैं लाइट वेटेड जो मंगलसूत्र होते हैं वो तो हम पहनते ही हैं, लेकिन कोई फंक्शन है वहाँ पर आपको दो तीन लुक कैरी करने हैं डे से एंड नाइट तक, तो इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना वो आपके ओवरऑल लुक को चेंज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस तरह का एक मंगलसूत्र तो आपके पास होने चाहिए, बाकी लाइट वेट तो आप सभी रखते हैं, यू नो, कई बार डायमंड में भी आते हैं, एंड डायमंड का ना हो तो कॉपी उसकी, तो वो तो खैर है ही मस्त, वो तो लगता ही बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह का कलेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। फिर इस तरह की मैं ज्वेलरी की बात करूँ, तो मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैरी करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, यू नो, कोई आप पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, डे फंक्शन है, नाइट फंक्शन है, हमेशा आप कैरी कर सकते हैं। एंड प्लस पॉइंट यही है कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, किसी भी ड्रेसअप के साथ में आप इसको कैरी कीजिए, सूट के साथ में, गाउन के साथ में, साड़ी के साथ में, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, ये जो ज्वेलरी है ये मुझे बहुत ही पसंद है, एंड जब आप बहुत ही अच्छी से ज्वेलरी पहनते हैं ना तो आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है। तो इस तरह का एक ज्वेलरी पीस आपके पास होना ही चाहिए, इट मस्ट हैव इन योर ज्वेलरी कलेक्शन, तो काफ़ी सुंदर है। एंड दिस वन आल्सो ऑसम, इस तरह के जो ज्वेलरी होते हैं ना ये काफ़ी क्लासी लुक देते हैं, यू नो, आप समझते हैं कि एक एक चीज़ से मिलाकर आपका पूरा ओवरऑल लुक कंप्लीट होता है। कभी आपको ये नहीं पहन रहा है तो आप इसका इयररिंग देख रहे हैं ना, कितने सुंदर इयररिंग है, जो इयररिंग है आप ये वाले इयररिंग देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी सेम ट्रेंड में है। समटाइम्स होता है ना कि आपको कुछ नहीं पहनना है, सिर्फ हैवी इयररिंग पहनने हैं, तो उससे आपका पूरा जो है ना ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। आप डिफरेंट तरीके से आप कैरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। समटाइम्स आप डार्क कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, उस पर लाइट कलर के ज्वेलरी का मैचअप कीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। एंड इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ज्वेलरी सेंस कैसा है। लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस तरह से हम पेयर अप कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है। समटाइम्स जब बहुत सारी ज्वेलरी भी होती है ना, तब भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इसके साथ ये कैरी करूँ या वो कैरी करूँ। एंड गोल्ड ज्वेलरी का तो आप जानते हैं, वो सभी के साथ में कैरी हो जाती है, इजीली हो जाती है, लेकिन जो नो कोई पर्टिकुलर कलर में होती ना, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। फ्रेंड, बैंगल की बात करूँ तो बैंगल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इस तरह के जो कड़े होते हैं ना हैवी लुक में, बहुत ही सुंदर लगते हैं, आपने देखा ही होगा, नो काफ़ी रॉयल लुक आता है। एंड जो इस तरह के मैं पर्ल एंड जो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपने गाउन कैरी किया है, आपने साड़ी कैरी किया है, आपने सूट कैरी किया है, सभी के साथ में यू नो ऑसम लगते हैं, तो इस तरह के बैंगल्स तो आपके पास एक तो होने ही चाहिए, यू नो। तो मैं वही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं कि ये देखा तो ये भी ले लिया, वो देखा तो वो भी ले लिया, क्योंकि मैं भी कई बार ये करती थी, और बहुत सारे पैसे हम वेस्ट कर देते हैं ज्वेलरी में।
तो आपको ये नहीं करना है। फिर एक इस तरह की जो बैंगल्स होती है ना, जो इस तरह का जो वर्क होता है, जस्ट लाइक अ डायमंड कॉपी नॉट अ डायमंड, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। एंड वेस्टर्न के साथ में, इंडियन के साथ में, सबके साथ में कैरी कर सकते हैं, और आपने देखा भी होगा, और कभी भी आउट ऑफ फैशन वाली कोई बात ही नहीं है। इस तरह के हैवी जो बैंगल होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड मल्टी कलर में आते हैं, तो बेनिफिट ये रह जाता है कि कभी किसी ड्रेस के साथ में कोई पर्टिकुलर मैचिंग नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से इसको मैचअप करके पहन सकते हैं। तो इनमें से मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड पीस आपके पास कौन कौन से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के बैंगल्स की मैं बात करूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। यू नो, आप अगर वर्किंग भी हैं, आप डेली कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको कैरी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, या आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाता है। तो मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है, जितनी भी लाइट वर्क होता है ना, लाइट चाहे ज्वेलरी हो या ड्रेस हो, मुझे काफ़ी पसंद है। फ्रेंड्स, अगर हैवी ज्वेलरी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक पिक शेयर की हुई है, तो आप देखेंगे ना कि अभी जो पूरा हैवी लुक होता है, समटाइम्स हम ईयरिंग भी हैवी कैरी करते हैं, एंड आपका जो नेकलेस है वो भी हैवी कैरी करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन समटाइम थोड़ा डिफरेंट दिखना है आपको, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हैवी ईयरिंग ले सकते हैं, मांग टीका ले सकते हैं, एंड नेक को आप ऐसे रहने दें, सिंपल गोल्ड चेन डाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी क्लासी लगता है। यू नो, समटाइम्स क्या होता है कि हम एक ही तरह के लुक कैरी कर करके वो बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह के बैंगल्स की बात करूँ तो सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा हैवी इसमें वर्क है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, यू नो, जस्ट लाइक डायमंड शाइन वही होती है। और वही मैं बोलती हूँ कि आप ले भी रहे हैं ना आर्टिफिशियल, सीधी सी बात है, डायमंड का नहीं ले रहे हैं, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन आर्टिफिशियल में आप ले रहे हैं तो गुड क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। यू नो, क्वालिटी अगर गुड होगी तो जब आप पहनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है ना, उनका जो वर्क भी जो होता है ना, बड़ा फाइन तरीके से किया होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कम हो लेकिन सिलेक्टेड पीस होने चाहिए, तो उसका लुक अलग ही आता है। फ्रेंड्स, बैंगल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, पर्ल एंड गोल्ड प्लेटेड जो बैंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं, काफ़ी हैवी भी आते हैं। समटाइम्स आप कोई लाइट ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ में आप हैवी बैंगल कैरी करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बैंगल में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के बैंगल आते हैं, स्टोन लगे हुए, जैसे लगे से गोल्ड में होते हैं ना, तो जैसे भी इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है तो आप देख लीजिएगा ना, दो तीन तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट बैंगल हो वो आपके पास होने चाहिए। एक पर्ल में हो गया, एक सिंपल छोटे वाले स्टोन में हो गया, एंड एक आपका जो इस तरह से गोल्ड में है, तो इनमें से कोई भी जो आपको लगता है कि दो तीन का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको मैं कभी भी किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर लूँ, तो होने ही चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमें अपना लुक भी चेंज करना होता है ना, और लुक को लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, मुझे तो रहती है। एंड एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक हाथ में वॉच कैरी कर लें, अगर आपको वॉच कैरी करना अच्छा लगता है, जैसे आपने मुझे, अगर मेरी वीडियोज़ आप देखते होंगे तो आप हमेशा देखते होंगे कि मैं वॉच कैरी करना कभी नहीं भूलती, मुझे वॉच पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं किसी फंक्शन में भी जाती हूँ तो मेरे एक हाथ में मोस्ट ऑफ टाइम वॉच रहती है, मुझे पसंद है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। जैसे आपने देखा, देखो कितना हैवी लुक दोनों ने किया हुआ है, गले में कितनी हैवी ज्वेलरी है, हैंड ईयरिंग भी हैवी है, लेकिन हाथ में देखो इसी तरह का इन्होंने बैंगल्स कैरी किए हुए हैं, और काफ़ी क्लासी लगता है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक देता है। तो डेफिनेटली आपके पास इस तरह के जो स्टोन बैंगल हैं, पर्ल बैंगल हैं, तो वो होने चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रिंग की बात करूँ, नो समटाइम्स होता है ईयरिंग भी हो गए, ज्वेलरी भी हो गई है कंप्लीट, लेकिन हाथ में क्या होना चाहिए, तो आप एक ना बड़ी स्टेटमेंट रिंग कैरी कर सकते हैं, दोनों हाथों में भी कर सकते हैं एंड एक हाथ में भी कर सकते हैं। चोकर का देखो, मैंने ये पिक लगा के यहाँ पे आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है कि जो इस तरह के नेकलेस होते हैं वो कितने क्लासी लगते हैं। एंड यहाँ पर एक आइडिया आपको ये भी मिलेगा, यू नो, जो सिल्की साड़ियाँ होती है ना, उनका फैशन भी कभी भी वो भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, तो इस तरह से आप एक डिफरेंट लुक कैरी कर सकते हैं। ईयरिंग की मैं बात करूँ तो ईयरिंग, यू नो, आपके कंप्लीट लुक को चेंज करने में बहुत ही अच्छे से एक रोल प्ले करते हैं। आप ईयरिंग, यू नो, आप सिंपल हैं और आप कोई भी अच्छे से ईयरिंग पहन लेते हैं तो भी आप देखेंगे ना, आपका फेस एकदम चेंज लगता है। तो ईयरिंग तो इस तरह के ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एंड इस तरह के ईयरिंग की हम बात करें तो ये भी ना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड इन ट्रेंड है, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नो डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, आपको हैवी लेना है तो इस तरह से हैवी भी एंड सिंपल में भी आपको मिल जाएंगे,
काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं एंड इजीली मिल भी जाते हैं और कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं एंड आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये वाले जो ईयर रिंग होते हैं ना, यू नो ऑसम, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप किसी भी ड्रेसअप के साथ में इनको कैरी कर सकते हैं। आप पीछे बन बनाते हैं इनको कैरी करते हैं, थोड़े से यू नो बाल आगे खोलते हैं, ऑसम लगते हैं ना। अब मैं यहाँ पे पिक देख लेना आप, शायद होगी आगे या नहीं है याद भी नहीं है मेरे को, लेकिन यू नो पिक देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे लगेंगे। एंड इस तरह की हैवी ईयरिंग तो आपने देखी है, चल ही चली रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गोल्डन कलर में ले लो तो अच्छा लगता है। जैसे आप यहाँ पे पिक देख रहे हैं आलिया भट्ट को, तो कुछ नहीं किया है, गले में कुछ नहीं पहना है एंड हैवी ईयरिंग के साथ में उन्होंने अपना ओवरऑल लुक कंप्लीट किया है। तो थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पर उन्होंने अपने गले को हैवी लुक दिया है एंड नेक में कुछ नहीं पहना है। तो इस तरह के आप डेफिनेटली लुक ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है, डिफरेंट लगता है। अब देखिए ये वाला लुक है, तो आप यहाँ पे यू नो आप एज अ यू नो बहू हैं, तो आप अपने आप को कुछ इस ये वाला लुक दे सकती हैं और काफ़ी डिफरेंट लगता है। एंड ये जो ज्वेलरी है कुछ इसी तरह की है एंड कंप्लीट लुक मिलता है नो, टेंशन नहीं रहती है कि अभी मुझे इसके साथ क्या पैचअप करना है, क्या नहीं पहनना है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ अच्छा खासा कलेक्शन शेयर किया है और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है, तो बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है आपको कि किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, इस तरह की ईयरिंग आप यू नो आपके एक ज्वेलरी कलेक्शन में होने चाहिए। एंड फ्रेंड्स एक अलग तरह की जो ज्वेलरी होती है डिफरेंट, मतलब आपने देखा होगा यू नो, देखिए ये वाली पिक, तो इसमें आपको मांग टीका ही मिलता है एंड आपका गले का भी है, आपके ईयरिंग भी है। तो ये भी वाली जो ज्वेलरी जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है एंड आपके लुक को ओवरऑल कम्प्लीटली चेंज कर देती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है, उन सभी के साथ में आप कैरी इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी अगेन हैवी लुक दिया गया है पूरा, जो आपकी ज्वेलरी है एंड आप देख सकते हैं ड्रेस काफ़ी यू नो लाइट कलर में है एंड उसी से मैचअप करती हुई ज्वेलरी है। तो मैंने आइडिया देने की पूरी कोशिश की, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस तरह से आप अपने ओवरऑल लुक को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कलेक्शन क्या है और आपने क्या क्या चूज़ किया है। लेकिन मैंने नंबरिंग तो की नहीं है, लेकिन जो आपको पसंद है वो आप उस तरह का कलेक्शन आप अपना बना सकते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब श्री अंबिका जी ऑल इन वन। आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। Be positive, be happy. Till then, bye-bye.